सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस एनिमे हिंदी। और तुम लोग शायद थंबनेल टाइटल देख के कंफ्यूज हो सकते हो, मैं तुमको बता देना चाहता हूँ तुम्हारी जानकारी के लिए कि आज हम लोग अंधेरे में तीर चलाने वाले हैं। नहीं समझ में आया ना? आज मैं करने वाला हूँ वन पीस के मांगा चैप्टर 1032 का प्रेडिक्शन, जो कि इस वीक बिल्कुल भी नहीं आने वाला, वो नेक्स्ट वीक आने वाला है। इस वजह से इसका कोई भी लीक्स स्पॉयलर कुछ नहीं आया है अभी तक। मैंने जहाँ भी रेडिट पे छान मारा, तो इस वजह से यार आज मैं प्रेडिक्शन करूँगा। मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है जो नेक्स्ट वीक आने वाला चैप्टर, उस चैप्टर में बवाल मचने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो, जब भी ओडा ब्रेक पे जाता उसके बाद जब रिटर्न आता ना भाई, बवाल मचा देता है। कोई ना कोई नया चीज़ रिवील कर ही देता है, कोई नया पावर होने से दिखा देता है, कोई झटका दे देता है। और मैं क्या बोलूँ यार, जिस तरह से इतिहास रहा है तो इस तरह से ही चल सकता है। खैर मेरे हिसाब से कुछ नया चीज़ रिवील हो सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ दूसरे चीज़ों के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में काइडो और लूफी का फाइट को मतलब पूरी तरह से दिखाया जाएगा, उस फाइट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। होने से भी एक पेज के लिए ही फोकस किया जा सकता है। उसके अलावा मुझे जो चीज़ लगता है वो है यामाटो को लेकर के। मुझे लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर में यामाटो वहाँ पर पहुँच जाएगी। और तुम अच्छे से जानते हो कि यामाटो का जो डेविल फ्रूट है, फॉक्स फॉक्स फ्रूट या डॉग डॉग फ्रूट, उस डेविल फ्रूट से उसके पास एक बर्फीले फॉक्स की पावर आ जाती है। और उससे हो सकता है कि वो अपने अटैक से उन सब बॉम्ब्स को जमा दे या फिर कुछ नया तिकड़म लगाए, क्योंकि यार वो बॉम्ब्स को तो फटने नहीं दे सकते ना। अगर फट गया तो पूरा का पूरा उनका सीमा आसमान में ही तबाह हो जाएगा और इससे बाकियों का भी मौत हो सकता है। वहीं अगर मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ, जो मुझे लगता है कि उसोप इसमें दिख सकता है, उसोप जो है वहाँ पर पहुँच जाए जहाँ पे किनमोन कीकू ये लोग सब डैमेज पड़े, और वहाँ पर वो कांजीरो के उस जायंट मॉन्स्टर से फाइट कर सकता है, जो कि फायर वाला डीमन उसने क्रिएट किया अपने पेंडिंग से। उससे उसोप किस तरह से लड़ेगा वो चीज़ मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार अभी तक हमने उसोप को एक्शन में नहीं देखा। वो बस लंबी लंबी फेंके जा रहा और फट्टू अपना डर के भाग रहा होता है। पर यहाँ पर उसोप के पास मौका है हीरो बनने का। मेरे भाई नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो हो सकता है कि रॉबिन और ब्रुक को दिखाया जाए। अगर तुमने पिछला चैप्टर ध्यान से पढ़ा, तुमको याद होगा जो CP0 का जो एक चीफ होता है, वो अचानक से उन लोग का जो यार स्पेशल मूव नहीं होता, टेक्निक होता जो, वही वाला यूज़ करके अचानक से गायब हो जाता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अचानक से रॉबिन और ब्रुक का आगे खड़ा हो जाए और वहाँ पर हमें ब्रुक एंड रॉबिन वर्सेज उस बंदे की फाइट दिख सके। वहीं मेरे भाई अगर मैं बात करूँ तो एक्सट्रैक को लेकर के, तो एक्सट्रैक एपू को आराम से हरा सकता है 1v1 में, बट वो दो नंबर्स के साथ यहाँ पर एपू को एक प्रॉफिट मिल जाता है, एक अपर हैंड मिल जाता है। ये देखने में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ कि किस तरह से एक्सट्रैक इन तीनों को हराता है। अब मैं यहाँ पर फाइनल बात करना चाहूँगा, जो कि यार सांजी और क्वीन को लेकर के है, और प्लस किंग वर्सेस जोरो को लेकर के। मुझे लगता है ये दोनों के फाइट में से किसी एक पे ज्यादा फोकस किया जा सकता है, और अगर ये दो फाइट पे ज्यादा फोकस करता है ओडा, तो किस तरह से सांजी क्वीन को हराएगा या फिर जोरो किंग को हराएगा, इस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। ये दो वीडियोस मैंने बना रखा है। अगर तुमको सांजी को लेके जानना है तो सांजी वाले वीडियो पे जाके क्लिक करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अगर तुमको जोरो के बारे में जानना है कि जोरो किस तरह से हरा सकता है किंग को, तो तुम लोग जाकर के जोरो वाला वीडियो पे क्लिक करना, तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हाँ यार, मेरे बाकी के वीडियोस भी देखा करो, जिससे तुमको पता चल सके कि यहाँ पर यार बहुत सारे औसम कंटेंट आता है वन पीस को लेकर के। खैर यहीं तक था मेरा प्रेडिक्शन, आई होप तुम्हें मेरा प्रेडिक्शन अच्छा लगा होगा। क्या लगता है क्या क्या चीज़ें हो सकती है नेक्स्ट चैप्टर में, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए, तुम लोग का कमेंट पढ़ने के लिए। तो आई होप तुम लोग कमेंट करना नहीं भूलोगे। साथ ही साथ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर तुम इस चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को भी लाइक मारना मत भूलना। और हाँ, बाय द वे 2K फैमिली के लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।